दोपहर लंच के बाद थोड़ा सो गई थी, अभी मैं आई हूँ पार्लर। मुझे हेयर स्पा करवाना था, थ्रेडिंग करवाना था, मतलब लास्ट मिनट पे मैं आई हूँ अभी। कल षष्ठी है, पूजा शुरू होने वाला है और मतलब इतने दिनों से समय नहीं हो रहा था, मम्मी जा रही थी, मुझे भी काम था तो इसलिए आ नहीं पाई थी, तो आज फाइनली मैं आई हूँ। तो गाइस मेरा प्रोसीजर शुरू हो गया है हेयर स्पा का। यहाँ पे जब भी मैं करवाती हूँ यहीं पे आंटी के पास ही करवाती हूँ, यहीं पे मुझे कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है। इस बार फिर से दुर्गा पूजा का ओकेजन है तो मैंने सोचा चलो हेयर स्पा ही कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टीम ले रही हूँ। बैठे रहना है, यही सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है स्पा का, कि वेट करते रहो कि कब ये ड्राई हो, वॉश हो, तब जाके आप फ्री हो सकते हो। चलिए बैठे रहना पड़ेगा, क्या करें, है प्रोसीजर तो देखते हैं कब तक ड्राई होता है। लेकिन आंटी जब कर रही थी ना बालों, बहुत नींद आ रहा था मुझे, बहुत अच्छा लग रहा था। इवनिंग गाइस, शाम के 8 बज चुके हैं, इवनिंग से रात होने को आया है और अभी जो है पार्लर में बैठी हूँ। टुआ बहुत पहले आ चुकी है हेयर स्पा के लिए, एक भाभी है, भाभी का पार्लर है और बहुत ही अच्छे है भाभी का जो पार्लर का सर्विस, भाभी का बिहेवियर। तो हम लोग यहीं पर आते हैं, टुआ भी यहीं आती है, कुछ भी करना हो हम लोग का फेसियल वगैरह, ब्लीच, फिर हेयर स्पा, सारा चीज़ भाभी के पास आके हम लोग करते हैं। और भाभी से भी मिल लीजिए एक बार। मीना भाभी है, हम लोग की सहेली है, हमारी फेवरेट आंटी और टुआ लोगों की फेवरेट आंटी है। हेलो, आज का वीडियो गुड इवनिंग से गाइस मैंने शुरू किया और भाभी के पार्लर से मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे चैनल में आप सबको बहुत स्वागत है, मेरे चैनल द लाइफ प्लैटर में फिर से आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है फिर यहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग आज कर नहीं पाई, आज गुड इवनिंग से ही मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ बना बना में जो रहते हैं तो भाभी का पार्लर जानते ही होंगे, मीना भाभी का जो पार्लर है 20 सेक्टर के एकदम मेन रोड के ऊपर है, सब कोई जानते हैं। आदर्श जहाँ आदर्श अगर रौरकला में कोई है जान पहचान तो यहाँ आके उनका जो है पार्लर का सर्विस ले सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल है और भाभी का सर्विस यहाँ बहुत अच्छे मतलब है, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड है। हम लोग आज से नहीं बहुत सालों से जो है कुछ भी हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हम लोग यहीं पर करते हैं, थ्रेडिंग से लेकर शुरू करके सारा जितना आपका कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट होता है सारा चीज़ यहीं पर। तो हम लोग तो बहुत यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलते हैं हम लोग का, आप लोग भी यहाँ आके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई बोलेंगे तो भाभी का नंबर भी हम लोग अपना वीडियो में डाल देंगे, किसी को अगर चाहिए तो पार्लर का, भाभी का पार्लर का सर्विस, तो भाभी का जो मीना भाभी का जो नंबर है, फ़ोन नंबर, हम लोग वीडियो में डाल देंगे, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों हो गया है टुआ का हेयर स्पा, अभी घर जाके आपको फाइनल लुक दिखाएगी, मैं थोड़ा थ्रेडिंग करूँगी, टुआ भी थ्रेडिंग करवाएगी, पूजा हो 4 फुट का 8 फुट का, खुद का थोड़ा मेकओवर, एक तो बहाना मिलता है कि चलो पूजा है, एक तो मेकओवर खुद का छोटा मोटा मेकओवर थोड़ा कर लूँ, तो वही सर्विस थोड़ा लेने आई हूँ भाभी से। देख और एक दोस्तों मेरा सहेली बहुत पुराना, बाय चांस मिलते हैं, आरती हाय बोलो, हाय अमृत लेके मेरे सास ये सब ड्रेस मांग लेंगे, अमृत शाम को अमृत लेके आई, मेरा ही वीडियो देख रही है, बहुत अच्छी है सहेली, हम लोग बहुत सालों से जान पहचान, बहुत अच्छी है, लेकिन मिलना जुलना हम लोग का होता नहीं है बहुत दिनों के बाद बाद, एक तो कोरोना, दीदी है हमारी बहुत प्यारी दीदी मीना भाभी जो भी है बहुत प्यारी है, हाँ सबके बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। देखिए हो गया मेरा हेयर स्पा, आंटी ने सीरम लगा दिया ना आंटी, अपने आंटी ने सीरम लगा दिया, देखिए बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए,
बहुत अच्छा लग रहा है टच करके। तो अभी आंटी को, आंटी ने मतलब पेपर दिया था मतलब ट्राई करने के लिए, पूरा ट्राई तो नहीं हुआ है, जस्ट फैन के नीचे मैं बैठी हूँ। और अभी मतलब मम्मी थ्रेडिंग करवाएगी, मैं थ्रेडिंग करवाऊँगी। फिर मैंने आंटी को बोला है, मैंने लास्ट मंथ जैसे हेयर कट करवाया था वर्धमान जाने से पहले, तो वो मैं बाल तब सेट नहीं करवा पाई थी, जल्दी था मुझे, तो मैंने कर दिया था तभी। तो अभी आंटी बाल वो थ्रेडिंग करने के बाद थोड़ा सूख जाए, बाल ड्राई हो जाए, तो आंटी सेटिंग कर देगी बालों को। देखिए दोस्तों, चाय हाजिर है। मैंने कहा नहीं था कि चाय बनाने तुरंत चली गई, मतलब यहाँ आने से हर चीज मिलता है। चाय एकदम रेडी, गर्मा गर्म। देखिए, हाय बोलो, हाय बोलो। चाय का कितनी क्यूट है, स्वीट स्वीट एकदम चाय। देखिए एकदम हाथ में पकड़ा दिया, आंटी पीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज है षष्ठी। दिन भर पूरा रूटीन शेड्यूल एकदम बिजी था, तो मैंने कुछ भी वैसे शूट कर नहीं पाई। मेरा ऑफिस भी जाना था और बिजनेस, नया बिजनेस था, रिन्यूअल था, सारा चीज़ था, मुझे वो कंप्लीट करना था। क्योंकि आने वाले 3 दिन मैं और ऑफिस जा नहीं पाऊँगी, बिजनेस के लिए कहीं जा नहीं पाऊँगी। तो आज जो है मैंने बिजनेस ख़त्म करके, अपना जो काम था ऑफिस में ख़त्म करके मैं आई हूँ। आज कुछ नहीं, इवनिंग का टाइम है और रात का डिनर प्रिपेयर करूंगी। और कल थोड़ा सा मार्केट जाके आई थी, कुछ स्टिच करने दिए थे, तो वो प्रिपेयर हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए गई थी। तो कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ से आते आते हम लोग जो सी सेक्टर पंडाल है, वहाँ हम लोग जो लेडीज ग्रुप है पूरा, वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एंजॉय किए। पूजा तो ऐसे कुछ हो नहीं रहा, सुबह भी कुछ हुआ नहीं था, और अभी भी वही आरती जो है संध्या आरती हो रहा था, तो उसी टाइम में हम लोग पंडाल में आए। लकीली वहाँ पहुँच गए हम लोग, और जो पूरा देखे, आरती देखे, प्रसाद लिए, बस इतना ही। और अभी डिनर प्रिपेयर करूंगी, तो कल का टुआ का है स्पा, आज पंडाल में कुछ मतलब डांस भी हुआ, धुनोची डांस हुआ, भाभी ने किया, वो भी इसमें आप लोग देखेंगे। तो आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। हैप्पी षष्ठी। कल आने वाले कल है हैप्पी सप्तमी, एडवांस में आप सबको मैंने शुभकामनाएं दे दिया हूँ। और एक बात सबसे जरूरी, आज जिनके जन्मदिन या शादी के सालगिरह, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और माता रानी का भी चल रहा है पूजा, तो मैं यही दुआ करूंगी, प्रे करूंगी कि माता रानी आप सबको सबका मनोकामनाएं पूरी करे। तो आज ऑफिस दोस्तों इसलिए भी जाना पड़ा क्योंकि प्रीवियस ईयर का एक प्राइज मेरा रखा हुआ था ऑफिस में, तो आज जो है वो मेरे को मिला। एक साल के बाद मुझे अपना प्राइज मिला। एबीएम फोन करके बुलाए कि आपका प्राइज है, ले जाइए। तो फिर वो हम नहीं लेके, मैं अगर नहीं लेने जाती तो वो दोबारा से डिवीजन जो रिटर्न चल जाते, तो उसके लिए भी जाना था। मेरा न्यू बिजनेस था उसके लिए भी जाना था, रिन्यूअल जमा देना था उसके लिए भी जाना था। तो क्या प्राइज मुझे मिला है मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ा सा तावा है, नॉन स्टिक है, आप इंडेक्स पे भी ये होगा, पीछे ऐसे कोट किया हुआ है। तो ये एक है बड़ा सा तावा, और एक फ्राई पैन है, एक फ्राई पैन है,
एकदम क्यूट सा, पीछे का डिजाइन ऐसा है, सामने ऐसा है। ये भी इस तरह से, कलर बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर कलर जो है। ये तीनों चीज जो है मुझे नॉनस्टिक का सेट पूरा मिला है। और ये है आपका फोजो कंपनी जो है, फोजो कंपनी का है गाइस। आज मुझे यही गिफ्ट मिला है। तो आज गुड नाइट, बाय बाय।